JSLPS के L5 और L8 कर्मियों ने झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे। JSPL के दर्जनों कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारी संघ के जिला सचिव मोहम्मद ताहिर ने बताया कि 5 सूत्री मांग को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें JSLPS की वेतन में वृद्धि की जाए। 5 वर्षों से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मानव संसाधन नियमावली के आधार महंगाई भत्ता में वृद्धि किया जाए। कर्मचारी विषम परिस्थिति में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें हार्डशिप अलाउंस को वेतन में जोड़ कर दिया जाए। JSLPS को भविष्य निधि दिया जाए। इन सभी के मांग पूरी नहीं किया गया तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ पर धरना पर बैठे हुए सभी को सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, सभी को धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले उनके आह्वान पर आज हम लोग कलमबंद हड़ताल पर हैं, और हम सभी लोग JSLPS के कर्मी हैं। और हम लोगों का 4 सालों से लगातार मांग है वेतन वृद्धि का। पहला है वेतन वृद्धि, हम लोगों ने 4 साल पहले ज्वाइन किया है और 4 साल से एक ही सैलरी पर हम लोग काम कर रहे हैं, और कई बार इसका मामला हम लोगों ने मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक और सारे अपना विभाग जो है विभाग तक लिखित जा करके खुद इस टाइप का हम लोगों ने सूचना दिया। एक बार 3 दिन का हम लोग स्ट्राइक भी किए थे, लीव लेकर के अनुशासन में रह करके हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, लेकिन कोई प्रभाव उसका अभी तक हम लोग के प्रति नहीं उन लोगों को दिखा है। और यहाँ तक कि पिछला जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2000 का घोषणा भी किया था, पर वो सिर्फ घोषणा रह गया। और हम लोग एक ही सैलरी पर आज 4 साल से काम कर रहे हैं, और हम लोग का सैलरी मात्र 9,240 रुपया है, जिसमें अपना परिवार का और अपना खुद का भरण पोषण करना बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा एक है कि महंगाई भत्ता जो हमारा HR मैनुअल में लिखा हुआ है, जब JSLPS का गठन हुआ तभी ये चीज लिखा गया है कि हर साल महंगाई भत्ता आप लोगों को 10% दिया जाएगा। 3 साल से मिला नहीं, ये चौथा साल है, 4 सालों से हम लोगों का वो महंगाई भत्ता भी नहीं मिला है। और सारी बहुत सारी मुद्दा है, EPF का एक मामला है हम लोगों का जो